पेयजल की समस्या को दिखाने के लिए कई गांवों का हम भ्रमण कर चुके हैं और फिलहाल हम अभी बानो प्रखंड के लोवा सोकरा के सरकंडा गांव में हैं। यहां पर कई सालों से जो है पेयजल की समस्या है। मेरे पीछे देखिए एक जलमीनार लगा हुआ है, लेकिन ये जलमीनार से यहां पे जितने परिवार हैं उनको पूरी तरह से साफ पानी, पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से गर्मियों में ये नदी से भी पानी लाते हैं और गर्मियों में कुआं का पानी भी सूख जाता है। तो चलिए इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ? कमल बडी। कौन सा पंचायत है ये? बड़का डेल। यहाँ पे देख रहे हैं जलमीनार लगा हुआ है, तो आप लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? इस्तेमाल तो इसी से करना होगा, लेकिन पानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कितना पानी निकालते हैं इसमें आप लोग दिन में? दिन भर में 3 टीना। बस 3 टीना? और कितना परिवार है गाँव में? 14 परिवार। 3 टीना और 14 परिवार, मतलब एक एक गिलास पानी नहीं हो पाता है। मतलब आदमी एक एक गिलास ही ना पी पाएगा? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं फिर अभी? हम लोग को यह सुविधा के लिए, रिपेयरिंग के लिए दिया जाए। अच्छा, जैसे अभी जनवरी का समय है ना, तो जनवरी के समय में आप लोग को पानी अभी 3 टीना मिल रहा है, तो गर्मी जब पहुँच जाएगा, चिलचिलाती धूप, उस समय आप लोग कितना पानी यहाँ से निकालते हैं? पानी नहीं निकालते हैं, लेकिन हम लोग नदी का पानी पी रहे हैं। कहाँ पे नदी है? सामने है, वहाँ का पानी पी रहे हैं। गंदा पानी? गंदा पानी पीना पड़ेगा, क्या करेंगे? हम लोगों के लिए नया नल की आवश्यकता है, क्योंकि नया नल? जी, तो हम क्योंकि हम लोग नदी का पानी लाते हैं। फुलजेंस बैठेंगे यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप लोग जलमीनार लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ का पानी आप लोग नहीं पी पा रहे हैं? नहीं, हम लोग क्योंकि यहाँ का पानी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग पानी नदी से ला के पीना पड़ता है। कहे कि हम लोग का नदी भी गंदा हो गया है। नदी भी गंदा हो गया है? अभी अभी तो आप लोग कुआं से ही पी रहे हैं, गर्मी के समय में नदी से? गर्मी के समय में हम लोग नदी से लाते हैं, फिर हम लोग नदी में भी नहाते हैं और उसी पानी को भी हम लोग पीना पड़ता है। गंदा पानी एक तरह से बोला जाए। सभी लोग आदिवासी परिवार के हैं? जी, आदिवासी परिवार के वाले हैं सभी लोग, आदिवासी। जी, यहाँ पे देखिए किस तरीके से गाँव में पेयजल समस्या दूर करने के लिए कई योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन धरातल में अगर आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी समस्याएं दूर नहीं होती है, और इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई अधिकारी, कोई नेता आपको दिखाई नहीं देगा। और लगातार हम इन समस्याओं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप समझ सके इनके दुख और तकलीफों को। और आज जो देश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, आदिवासियों के नाम पर लगातार राजनीति होती है, लेकिन आदिवासियों के जीवन में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है वो पूरी तरीके से धरातल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर देख रहे हैं टंकी लगा हुआ है, पुराने चपाकल में लगा दिया गया है, लेकिन मात्र 3 टीना पानी निकल रहा है, वो भी जनवरी के महीने में। हम लोग सरकार से यही अपील करते हैं कि हम लोग को ये गर्मी के लिए हम लोग को नया बोरिंग चाहिए। दिक्कत होता है कि नहीं अभी? दिक्कत है। दिक्कत है ना? अभी तो कहाँ का पानी ला रहे हैं? जैसे अभी तो आप लोग कुआं से ला रहे होंगे? हाँ, कुआं से ला रहे हैं। और गर्मी में कहाँ से लाते हैं? नदी। नदी से? हाँ। आपने ग्राम सभा में इसकी जानकारी दी है? कोई कंप्लेंट दर्ज करवाया है? दर्ज करवाए हैं। तो कोई सुनवाई हुआ? अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो आगे हम लोग आवेदन लिखेंगे। किसके नाम पर आवेदन लिखेंगे? बीडीओ से। बीडीओ के पास। ग्रामीणों की समस्या सुनकर सबसे पहले हमने ग्रामीणों से, बानो प्रखंड के जिला परिषद जनप्रतिनिधि बिरजू कंडुलनाथ से ग्रामीणों की बात करवाई, साथ ही उनके द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार वीडियो को पत्र लिखा गया और जल्द यहां पर नया बोरिंग निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।